हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं एक बहुत पुराने शहर में इनफैक्ट दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक में, जहां पर आज तो कोई नहीं रहता है। गाइस, जिस सिटी में हम आपको आज ले जाने वाले हैं वो लगभग गाइस 4,500-5,000 साल पुराना शहर है। ज्यादातर लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो नाम है वो जरूर से सुना होगा। तो हम आ गए गाइस आज एक ऐसे ही सिटी में जो कि उस हड़प्पा सभ्यता का, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसका एक पार्ट है, और वो जो शहर है वही हम आज आपको दिखाने वाले हैं। हम जिस शहर में आ गए उस शहर का नाम है गाइस लोथल। ये जो है गुजरात में अहमदाबाद के पास में पड़ता है, और हम आज आपको यही शहर दिखाने वाले हैं। पुरानी सोचो यार गाइस, 4,500 साल पुरानी, और उस टाइम जो आर्किटेक्चर है, जो कारीगरी है, उनके जो स्किल्स है, उनका जो मैथमेटिक्स है, उनका जो कैलकुलेशंस है, मतलब यार उस टाइम पे बिल्कुल साइंस नहीं था, उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग इतना बढ़िया से चीजों को करते थे। तो फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना। और गाइस, फिलहाल पता है हम लोग घर से लगभग 900 किलोमीटर के आसपास दूर है, 900,000 किलोमीटर के एग्जैक्टली तो नजर नहीं है, अहमदाबाद से भी आगे हम लोग। शुरू करते हैं। तो भाई फिलहाल हम जो है इसके अंदर आ चुके हैं, जो पुराने यहाँ पर अवशेष मिले हैं उस एरिया के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो है गाइज हिंदी की लैंग्वेज लिखी हुई है। लोथल के प्राचीन टीले का उत्खनन प्रोफेसर एस आर राव ने 1955 से 1962 के मध्य करवाया, जिसमें हड़प्पाकालीन नगर के वास्तुगत अवशेष जो लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य के हैं। लोथल का आवासीय क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ था, दुर्ग और नगर। गाइज यहाँ पर फिलहाल हम जिस जगह पर है ना, उसके पीछे यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है। कम से कम उस जमाने के हिसाब से तो गाइस ये बहुत बड़ी चीज ही है, क्योंकि आप लोग देखो एक बार, ब्लैक कलर की हो गई है, ईंटें हैं, और ये ईंटें किस चीज की बनी है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो ये पूरा मतलब बीच में एक स्ट्रक्चर है, उसके पूरे चारों तरफ एक बाउंड्री है। ये देखो ये जो ईंटें हैं ना, ये बहुत डिफरेंट सी चीज से बनी है गाइस यार। ये ना तो ये सीमेंट की है, ना ही ये चूने की है, या फिर चूने की है तो शायद पकी हुई है, आई डोंट नो। लेकिन ये ब्लैक जैसे कलर की हो रखी है, या फिर ये काई की वजह से हो रखी है, लेकिन जो भी है बहुत ही मजबूत है। और ये जो सारा गाइस निर्माण है, ये जो सारी चीजें, सोच के देखो कि ये 5,000 साल पहले करी गई थी। 5,000 साल में गाइस कितनी, मतलब 20 साल में एक पीढ़ी लगाई जाए तो 250 पीढ़ियां हो गई, तब के टाइम की चीज है ये। और यही चीज इसको खास बनाती है। मोहनजोदड़ो में जो है पूरे के पूरे नगर मिलते हैं, पूरा का पूरा शहर मिलता है, इससे भी बड़ा, लेकिन ये भी उसी का ही पार्ट है। मोहनजोदड़ो जो है वो फिलहाल पाकिस्तान में है, तो वहां पर जो है बड़े सिटीज मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे शहर इस पूरी सभ्यता हर जगह जो है इंडिया में, पाकिस्तान में और इराक साइड में इधर भी मिल चुके हैं। और यहाँ पर जो सामान मिलता है, यहाँ पर जो सामान बनता था, वैसा ही सामान दुनिया के और देशों में भी मिला, यानी कि यहाँ से ट्रेड होके जो सामान है वो दूसरी जगह भी गया था। तो इस जगह के बारे में मैं आपको जो थोड़ी सी डिटेल्स भी बताऊंगा। चलते हैं अभी तो आगे। जब हम सोचते हैं आज से 500 साल पहले के बारे में कि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, या 100-200 साल पहले, लेकिन वही सोचो आज से 5,000 साल पहले ये थी टेक्नोलॉजी की, पूरी सब कुछ यहाँ पर इन्होंने बना रखा है, पक्की ईंटें हैं, पूरी बिल्डिंग हैं। ये देखो बड़े बड़े साइज की ईंट हैं, लेकिन ये ईंट बहुत ही अलग तरीके की हैं। और एक खास बात ये भी है कि ये जो पूरा सिटी है जो जिसमें अभी हम घूम रहे हैं ना, ये सारा का सारा मिट्टी के नीचे था, यानी ऊपर से कुछ किसी को नहीं पता था। फिर इसका कुछ अवशेष जो है वो मिला, पूरे एरिया की खुदाई हुई और मिट्टी के टीले के अंदर दबा हुआ निकला ये, और तब जाकर के हर जगह से मिट्टी हटाई गई, तो यहाँ पर ये जो पूरा सिटी था ये आ गया है। और गाइस यहाँ पर अगर इसके ऊपर चढ़े, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ शायद हजारों साल पहले कोई ना कोई बैठता होगा, और ये चीज जो है वे कई हजार साल से ऐसी ही है। भाई साहब मुझे तो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आ रही है फिलहाल यहाँ पे। वाओ, एकदम शांति है, एकदम सुनसान सा है, और सोच रहा हूँ कि यार उस टाइम पर क्या क्या बना डाला इन्होंने 5,000 साल पहले। ये देखो एक जैसी ईंटें हैं, पकी हुई ईंटें हैं, पूरा पक्का जो है निर्माण है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कुछ अच्छा है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो है ये जैसे ये डब्बे टाइप से बने हुए हैं, अब आई डोंट नो कि इसके अंदर कोई रूम है या फिर ये ऐसे ही चबूतरा टाइप में चीज है। और एक नहीं है, चार है इस जगह के ऊपर, चार बड़े हैं, और नहीं नहीं ज्यादा है यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चबूतरे हैं गाइस।
इस साइड में जो है ये ब्लैक ब्लैक कलर की ईट है, लेकिन उधर अगर देखते हैं अपन तो वहां पे रेड कलर वाली ईटे है। और गाइस इस गलतफहमी मत रहना कि ये जो ईटे आज के टाइम की है बिल्कुल नहीं है भाई, ये उसी टाइम की है जब वो आदिमानव और उस टाइम की, मतलब आदिमानव और मॉडर्न आदमी जो है उसके बीच वाली जो चीजें हैं वो है। आ जाओ यहाँ पर, ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, देखो यहाँ पर बीच में ये नाली जैसी चीज है जो कि शायद पानी निकलने के लिए है या आई डोंट नो, और इसके नीचे भी जो है ये हो सकता है। तो अब इसको कितना खोदा गया कितना नहीं है तो यही जानते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले हैं। उस बिल्डिंग के बाद में अब इधर दूसरी बिल्डिंग है गाइस, और यहाँ पर भी वैसी ईंटें हैं, लेकिन इधर में जो है ये रेड कलर वाली ईंटें। ये देखो यहाँ पर दो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, और भाई 5000 साल पुराने कमरे के अंदर मैं घुस गया हूँ और कमरे में बैठ भी गया हूँ। अब इसके ऊपर पता नहीं कुछ था या नहीं था, लेकिन फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, या हो सकता है इसे नीचे हो। ये सिंगल ईंट की दीवार है, यानी सिंगल इसमें जो है ये लेयर है, तो आप लोग देख सकते हैं उधर पे डबल की भी थी ट्रिपल की भी थी, लेकिन यहाँ पे सिंगल वाली है। इधर ये और चबूतरे जैसी चीज बनी हुई है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बड़ी ईंट आ गई गाइस। ये देखो ईंट का साइज जो है वो काफी बड़ा है, ये ईंट हाँ ये हटी हुई है गाइस, यहाँ पर दिखाता हूँ देखो आपको, ये है भाई साहब किस समय की ईंट। दोस्तों हमने पता किया यहाँ पर गार्ड भैया से, और वो बता रहे हैं कि ये हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, ये है उस टाइम की सुबह सुबह फ्रेश होने की, यानी कि टॉयलेट्स और ये सब वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि बीच में जो है ना ये जगह, ये वाली जो स्पेस है ना, ये नालियाँ जो हैं, ये गटर सिस्टम है उस टाइम का, तो सारा जो कचरा है सारा जो वेस्ट है वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये क्या है भाई, ये भी बहुत अलग सी चीज़ है, क्या है ये जैसे कोई मटका या फिर कोई कढ़ाई को उल्टा रख दिया हो और वो यहाँ पर जो है ये बन गया है। ये बहुत पुरानी यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जे भी लिखा हुआ गाइस, इसका मतलब है कि उस टाइम के लोग जो है वो अंग्रेजी जानते थे गाइस, देखो जे लिखा हुआ है यहाँ ये जो है किसी ज़्यादा से डेढ़ छाने आदमी का काम है जो यहाँ पे जे लिख गया जे लेटर बना रखा है। यहाँ पे कुआ आ गया है, ये है कुआ जो कि फिलहाल जाल से ढका हुआ है, उस टाइम जो है जाल से तो नहीं ढका हुआ होगा। और देखो अब कोई सोचेगा कि ये यहाँ तक है, लेकिन यहाँ पर इसी ऊपर वाली दीवार भी है, हो सकता है ये और ऊपर तक भी होता, आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल तो आप देख सकते हो कैसा फूटा हुआ है। ये भी पक्की ईंटों से बना हुआ कुआ है, 5000 साल पहले पक्की ईंटों से बना हुआ कुआ, क्या बात है। चलो गाइस और आगे चलते हैं, यहाँ पे ये ब्लैक वाली ईंटें फिर से आ गई है, लेकिन अंदर जो है आई डोंट नो ये स्पेस क्यों है, और जो हमारे पूर्वज थे, जो मानव जाति के पूर्वज थे, वो क्या यहाँ पर किया करते थे। और देखो वो जो है यहाँ पे ये फ्लेमिंग होट भी खाया करते थे, जिसका जो प्लास्टिक गाइस वो कभी ख़राब नहीं होता, यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है, इसको प्लीज़ मत फेंको, इसको बाहर रखो ये किसी दूसरे डेढ़ छाने आदमी का काम है कि वो यहाँ प्लास्टिक फेंक के जा रहे हैं। आज ऐसे नगर में आ गए और वही वाइब्स आ जाती है, ऐसे आके वही फीलिंग्स आ जाती है कि मतलब क्या कैसे किया होगा, इतनी सारी ईंटें कैसे बनाई होगी उस टाइम पर, अगर टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस नहीं थी तो इतनी जो चीज़ें हैं कैसे बनाई होगी, क्या करी गई होगी, ये क्या, ओ हो गाइस ये है एक सांप की केंचुली। हाँ गाइस ये है एक सांप की केंचुली, जो सांप हर साल या बार बार उतारता रहता है, जो सांप की स्किन होती है, ये वो चीज़ है। तो भाई आगे जो है इस केंचुली में मेरे को फन दिख रहा है गाइस, इससे कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ये सांप उतार के जा चुका है, उसके शरीर में पुरानी हो गई थी और सांप को भी कोई नुकसान इससे हमने नहीं पहुँचाए, तो रखी हुई थी यहाँ पे। देखो सामने मुझे एक फन जैसा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं यार फन में जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता वो है ना, तो पता नहीं है गाइस कौन सा सांप है, जो भी है इसको यहीं रख देते हैं जैसे थी, नहीं यहाँ थी गाइस, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहीं रख देते हैं। इस तरीके के बहुत सारे कई सौ की संख्या में जो सिटीज़ हैं ना वो निकले हैं अलग अलग जगह पर, ज़्यादातर जो है इंडिया में निकले हैं और पाकिस्तान में निकले हैं, कुछ इराक साइड में, अफगानिस्तान में, उस साइड में भी निकले हैं, जो ज़्यादातर जो है मिट्टी के अंदर दब गए थे जब उनको खोदा गया। तो पता कैसे लगा कि ये पूरा एक हड़प्पा संस्कृति है या फिर वो वाली सभ्यता है गाइस, पता कुछ ऐसे लगा कि जो चीज़ें यहाँ पर मिली है ना वो चीज़ें दूसरी जगह भी मिली। अब मान लो एक यहाँ पर है जगह, एक यहाँ पर मान लो कोई मोती मिला है और सेम उस टाइप का मोती जो है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर मिला है और वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर भी मिला है, तो इसका मतलब यही है ना कि वो एक जगह कहीं बन रहे हैं और वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं। इससे ये भी पता लगता है कि उस टाइम पे ट्रेड होता था, यानी कि व्यापार होता था। धूप बहुत तेज है यार गुजरात की, इसलिए मुझे चश्मा हटा ही नहीं रहा भाई हड़प्पा संस्कृति के दो यहाँ पर जो है इंसान रखे हुए हैं गाइस जिस जगह पर हम फिलहाल हैं गाइस, ये
रहने के लिए जगह थी। और ये जो आपको छोटी छोटी दीवारें दिख रही है ना, ये छोटी छोटी नहीं है, हो सकता है इसके नीचे हो या फिर हो सकता है ये और ऊंची हो। मुझे लग रहा है कि अंदर जो है और दबी हुई है अभी। और ये जो है ना पूरा एक लिविंग एरिया है। इस पूरी जगह एक मैप भी है, नेट पे अवेलेबल है, तो उसमें जो है सब कुछ दिखाया गया कि कहां पर यहां पर जो है जो अनाज है वो इकट्ठा करके रखा जाता था, ताकि कैसा भी समय आए खाने के लिए कभी भी कमी ना रहे। कहां पर जो है रहने के लिए जगह थी, कहां पर जो है किले टाइप की चीज थी, आगे एक भट्टी जैसी चीज है जिसके अंदर उस टाइम पे प्रोडक्शन होता था। दोस्तों यहां पर फिलहाल हम आ चुके हैं इस भट्टी के ऊपर, और ये जो है ना ये है मनके बनाने की भट्टी। मनके यानी कि जो मोती होते हैं जिससे आभूषण बनते हैं, जिससे कि माला वगैरह बनती है, उस चीज को बनाने के लिए ये एक भट्टी है। और आप लोग देख सकते हैं इसका जो डिजाइन है उसमें कई सारे होल्स भी हैं, और बीच में जो है कुछ जगह डालने के लिए भी है, आप लोग अलग देख सकते हो। और यहाँ पर पता है इसको ढक करके रखा गया अभी, और ये शायद जरूरी भी है क्योंकि अगर यहाँ पर ज्यादा लोग आएंगे या बाय द वे यहाँ पर कोई भी चीज होती है तो उसकी वजह से सेफ रहेगा, क्योंकि गाइस इन चीज़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टिकी रहेंगी तो शायद हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो भी इनको देख करके सीख पाएंगी कि आज से 5000 साल पहले या 4500 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो कितनी एडवांस थी, ये लोग क्या क्या किया करते थे। और यहाँ से जो मोती और जो मनके मिले हैं ना वो साउथ एशिया तक या अफ्रीका तक वहाँ तक पाए गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से उन मनकों का ट्रेड होता था, व्यापार होता था, यहाँ से वो खरीदे जाते थे और वो विदेशों तक भेजे जाते थे, और वहाँ पर लोग इनको पहनते थे हजारों साल पहले। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक सीमेंट या पता नहीं किस चीज से जो है बनाया गया है। इसमें बहुत सारे होल्स भी हैं, यहाँ पे मोती बनते थे, मनके बनते थे इसके अंदर। ये फैक्ट्री है यानी कि इसमें काफी हीटिंग भी होती थी। यहाँ पे जो मिट्टी है उसका कलर भी आप देख सकते हैं, जो है रेडिश हो गया है। आगे चलते हैं, उधर कब्रिस्तान है, उधर पे आगे कहाँ पर है ढूंढना पड़ेगा, बहुत आगे तक तो खाली है। लिंगाइस वहाँ पे एक बोर्ड लगा है कि आगे कब्रिस्तान है। और ये सुनसान सा एरिया आ गया भाई, कब्रिस्तान कहाँ है? यहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ पे कब्रिस्तान है, और अब मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही गाइज, भले ही दिन का टाइम है। गाइज हम फिलहाल कब्रिस्तान में आ गए हैं एक्चुअली में ही, और जहां जहां पे कब्र है वहां वहां पे लकड़ियां लगी हुई हैं जली हुई। देखो ये रही, हाँ थोड़ा आगे जाके दिखा सकते हो इसको, ये जो है जली हुई लकड़ी है। हाँ और टच मत करो उनको, वहां तक भी है देखो वहां पे, और इसके नीचे जो है किसी ना किसी को डेफिनेटली दफन किया गया होगा। और गाइज अब हम आपको दिखाने वाले हैं आज की आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ का पोर्ट जहां पर नाव शिप्स वगैरह आते थे। आप लोग देख सकते हो एकदम क्लियरली कितनी बड़ी ये जगह है, और पूरी उसी टाइम की बनाई गई है, और यहाँ पर जो है पूरा ट्रेड जो है वो हुआ करता था उस टाइम का। और ये भी जो है जो ईंटे वगैरह ये उसी टाइम का सब कुछ है। और देखो नीचे गाइज कितना सारा जो है पानी भरा हुआ है। चलो गाइस ठीक है, आई होप कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो में, आपने आज कुछ नया तो जरूर से देखा होगा, इतनी पुरानी पुरानी चीजें। तो गाइस वीडियो के लिए लाइक का बटन जो है जरूर से दबा देना, हम लोग आपके लिए ऐसी मजेदार चीजें जो है कंटिन्यूअसली रेगुलरली जो है लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एक बार फिर से देख लो गाइस जो पूरा जो पोर्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ से कहाँ तो कितना लंबा है। मैं तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का अभी के लिए, ऐसा मन कर रहा है यार यहाँ पर 2-4 महीने रहा जाए तो मजा। चलो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।